नमस्कार। आज एक चरित्र के ऊपर छोटा सा एक संदेश मैं रामचरितमानस का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं। आज देश में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहले तो हम ये समझेंगे, लोग जो बच्चे हैं वो अपने चरित्र को संभाल कर क्यों नहीं रख पा रहे हैं। पहले चरित्र शब्द की व्याख्या समझेंगे। चरित्रहीन होना, अपने चरित्र को खराब कर लेना, झूठ बोलना, रिश्वतखोरी, समय पर काम नहीं करना, या जो व्यक्ति छल कपट करता है, टाइम पर आपको कहा कि इतने बजे आऊंगा और वो नहीं आया। तो चरित्र की कई प्रकार की व्याख्याएं हैं। जो व्यक्ति अपने इज्जत को नहीं संभाल सकता, यानी कि 10 मंजिल पर चढ़ने के लिए 5 मिनट लगती हैं, 10 मंजिल मकान की बिल्डिंग पर अगर कूदना हो तो 1 सेकंड में मनुष्य नीचे आ जाता है, यानी कि चढ़ने में टाइम लगता है, गिरने में, पतन होने में देर नहीं लगती। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा और बड़े बड़े लोग आज तक जो भी किसी किसी स्कैंडल और केस में फंसे हैं, वो उन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू चरित्र को निर्माण करने में कई वर्ष लगाए होंगे, लेकिन पतन होने में 1 सेकंड भी नहीं लगी। और टीवी में, न्यूज़ में उनके समाचार आते हैं और उनका अपमान होता है, पूरा देश देखता है उनके अपमान को। तो आज रामचरितमानस के एक छोटे से प्रसंग को मैं इस बात से जोड़ूंगा, युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए और उन भ्रष्ट लोगों के लिए जो देश में कलंक बने हुए हैं। तो एक छोटा सा प्रसंग है। भगवान राम जब वनवास में सीता को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, हनुमान जी सुग्रीव के साथ मित्रता कराते हैं, तो मित्रता कराते समय राम जी कहते हैं कि हम सीता को खोजने आए हैं। सुग्रीव ने कहा, महाराज एक दिन एक विमान से, रावण शायद होगा, वो अनुमान लगा रहा हूँ, एक रोने की आवाज़ थी, हो सकता है वो माता सीता की हो, उन्होंने कुछ आभूषण यहाँ गिराए थे पृथ्वी पर और मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे, मैं लेकर के आता हूँ कुटिया से और आप देखिए। सुग्रीव जी कुछ आभूषण लेकर के आए और भगवान राम को दिखाए कि प्रभु ये देखना, ये आभूषण माँ सीता के हैं क्या? भगवान राम बहुत भावुक हुए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे और तो कहने लगे, लक्ष्मण आओ आप भी देखो, ये सीता का कुंडल है, ये सीता का कुंडल है। तो लक्ष्मण जी ने जो बात कही ये पूरे विश्व को ध्यान से सुननी चाहिए और अपने मन में ये डाल लेनी चाहिए और हर समय इस बात को याद रखना चाहिए। अगर ये याद, ये सूत्र आपने अपने मन में डाल लिया तो जीवन में, देश के अंदर खास तौर से, कई घटनाओं को विराम दे सकते हैं और बच्चे इस बात से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि प्रभु मैंने तो चरण निहारे हैं, मैं तो जब भी माता के पास आता था तो उनके चरणों को देखता था, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं कान नहीं देखे, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, मैं कुंडल देखे ही नहीं है कैसे पहनती थी माँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, चरणों का सेवक हूँ, माता के चरणों में मैं अनुरागी हूँ, माँ सीता के चरणों का, बिच्छुओं को पहचानता हूँ। तो ये हमारे संस्कृति है, ये हमारे शास्त्रों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसकी जरूरत आज कुछ ज़्यादा है। आज देश में सुबह सुबह जो अखबार या टीवी की हेडलाइन होती है, पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ता है, आज यहाँ घटना हुई, आज वहाँ घटना हुई। तो रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, ऐसा करने से बच्चों का चरित्र बनेगा, देश का उत्थान होगा और हमारे भारत का पूरे विश्व में नाम होगा। बस इसी संदेश के साथ धन्यवाद, नमस्कार।